दगहा पुलिस ने दोस्त की हत्या में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दगहा थाना क्षेत्र के पकड़ी तिराहा के पास से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान शशिकांत तिवारी पुत्र अनिरुद्ध तिवारी निवासी ग्राम गाजे गढ़ा थाना गोला के रूप में हुई है। एसपी साउथ ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर गगहा थाने में हत्या का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में गगहा थाना प्रभारी अमित कुमार दुबे, कांस्टेबल विजय कुमार यादव, धनंजय कुमार वर्मा सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, थाना गगहा क्षेत्र में दिनांक 20/10/2021 को दिन में लगभग 2:30 बजे एक डेड बॉडी पड़े होने की सूचना मिली थी। उस सूचना पे तत्काल प्रभारी निरीक्षक मौके पे पहुंचे। अज्ञात व्यक्ति था। जानकारी भी ये हुआ, यहाँ 12 बजे तक कोई ऐसी बात नहीं थी, खेत में किसान वगैरह थे। रात में पंचायतनामा की कार्यवाही जब तक पूरी हो रही थी, शाम होते होते उसका भाई गणेश गौड़ खिरकिटा आया और उसने मृतक की पहचान अपने भाई सुरेश गौड़ के रूप में की। पुलिस द्वारा पंचायतनामा की कार्यवाही की गई, पोस्टमार्टम हुआ। 21 तारीख को उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और अंतिम संस्कार हुआ। पुलिस भी छानबीन में लगी थी। इसी बीच उसके भाई ने 22 तारीख को तहरीर दिया कि उसके भाई को 3 लोग इंदर का भाई और तिवारी है एक शशिकांत, ये लोग उसके साथ देखे गए थे और गगहा क्षेत्र में ही एनएच के किनारे खेतों में एक गुमटी पे बैठ करके इन लोगों ने दारू पिया था, मांस खाया था। दोपहर में इनकी वहाँ लड़ाई झगड़ा हुई थी, उसके बाद वहाँ से चले। इस आधार पर पुलिस ने 302 में मुकदमा दर्ज किया। अभियुक्त शशिकांत तिवारी की गिरफ्तारी हुई है। दो अभियुक्त, दोनों जो सगे भाई हैं, वो फरार हैं। शशिकांत तिवारी ने पूरा घटनाक्रम स्वीकार किया, कहाँ कहाँ कैसे गए। जब ये लोग खा पी रहे थे, उसी बीच मृतक सुरेश की लड़ाई हो गई दोनों भाइयों से, इंदर और धर्मेंद्र से। उसी में उसके सर में चोट आई। दुकान वाले ने कहा यहाँ अनावश्यक हम भी फंसेंगे, यहाँ से जाइए, और फिर मोटरसाइकिलों में बैठकर ये लोग ले गए। और जब देखा कि ये मर गया है तो खेतों में सुनसान जगह पे फेंक करके सड़क मेड़ पे चक्रोड के किनारे फेंक करके चले आए थे। लड़ाई ये है कि जो मृतक है सुरेश, इसका इंदर पे पैसा चाहिए था। ये जहाँ से सवेरे निकले हैं उस घर वाले से भी बातचीत हुई है, उसे भी बता के कि हाँ इसका पैसा दे देंगे। लेकिन दिन में जब उसने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा उसका पैसा मैंने दे दिया, वो जा रहा है तुम्हारे पास, लेकिन वो नहीं आया। जबकि जिस समय उसने फ़ोन किया था उस समय इनका लड़ाई झगड़ा हो चुका था और उससे उन्होंने झूठ बोला था। इसी आधार पर वहाँ से हम लोग पीछे पीछे पीछा किए थे और ये घरों पर नहीं मिले, तो लगा कि वादी ने जो हमें तथ्य बताए वो सही हैं। अंततः अपनी ससुराल से निकल करके शशिकांत तिवारी कहीं और भागने की फिराक में थे, तो गगहा पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। शेष आपराधिक इतिहास इनका आपराधिक इतिहास जो शशिकांत है, इनका गोला में 2013 में गोवध अधिनियम का मुकदमा इनके खिलाफ है। शेष और छानबीन की जा रही है।